स्टार्ट करते हैं चैप्टर 44 एंड चैप्टर 44 का नाम है डिसीजेज विच अफेक्ट प्लांट्स एंड एनिमल्स। वो बीमारियाँ जो प्लांट्स और एनिमल को अफेक्ट करती हैं, प्रभावित करती हैं। गिवन हेयर आर अ फ्यू क्वेश्चंस अबाउट द प्लांट्स एंड एनिमल्स पैथोजेंस एंड द डिसीजेज दैट कॉज अमंग देम। तो यहाँ पर बात की गई है प्लांट्स और एनिमल्स की कंडीशन के बारे में और उनकी बीमारियों के बारे में। तो एंथ्रेक्स अमंग कैटल, ये एक इज कॉज्ड बाय एंथ्रेक्स, एक बीमारी है जो कैटल में होती है। किसकी वजह से? प्रोटोजोआ। एंथ्रेक्स कैटल में होती है प्रोटोजोआ की वजह से। वेरियस टाइप ऑफ रस्ट्स जनरली अफेक्ट प्लांट्स, बहुत तरह के रस्ट्स मतलब फंगस, ओके इसको फंगस भी कह सकते हैं, या फिर जैसे कुछ देखते हैं ना प्लांट पे वाइट वाइट हो जाता है, तो ये प्लांट को अफेक्ट करते हैं। ऑर्गेनिज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर द रस्ट डिसीज अमंग प्लांट इज फंगी। तो कौन सा ऑर्गेनिज्म रिस्पॉन्सिबल होता है? फंगाई, ओके। द फुट एंड माउथ डिसीज अमंग कैटल, फुट एंड माउथ डिसीज कैटल में किस वजह से होती है? वायरस की वजह से होती है, ओके। स्लीपिंग सिकनेस अमंग कैटल इज कॉज्ड बाय, स्लीपिंग सिकनेस क्यों होती है कैटल में? प्रोटोजोआ से, ओके ये किससे फैलती है? प्रोटोजोआ से। अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो, ये एक डिसीज का नाम है विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, विच इज कॉज्ड बाय अ बैक्टीरियम, ओके। तो चलिए आगे चलते हैं। विच माइक्रोब कॉजेज मोज़ैक विल्ट, कौन सा माइक्रोब कारण बनता है मोज़ैक विल्ट का? बैक्टीरिया, ओके तो चलिए। डैश स्प्रेड स्लीपिंग सिकनेस, कौन है जो फैलाता है स्लीपिंग सिकनेस को, नींद ना आने की बीमारी को? बाइट ऑफ टिस्टिस फ्लाई, ओके। विच माइक्रोब्स कॉज द सिट्रस कैंकर डिसीज अमंग प्लांट, प्लांट्स के बीच में फैलने वाली ये बीमारी सिट्रस कैंकर कौन सा माइक्रोब फैलाता है? बैक्टीरिया, ओके। द डैश कॉजेज ब्लैक स्मट ऑफ वीट, फंगाई, ओके फंगाई होती है कारण ब्लैक स्मट ऑफ वीट का। रूट नॉट डिसीज ऑफ ब्रिंजल इज कॉज्ड बाय अ नेमाटोड, ये एक ब्रिंजल की डिसीज है रूट नॉट, ये किस कारण फैलती है? नेमाटोड। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स और माइक्रोब्स भी कहते हैं इन्हें, और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स विच कॉज डिसीज इन प्लांट्स आर नोन एज नेमाटोड्स। नेमाटोड्स क्या होते हैं? माइक्रो ऑर्गेनिज्म या माइक्रोब्स जो के प्लांट्स में डिसीज फैलाते हैं। तो आप सबको ये लर्न भी करना है बच्चों, ओके। इसी के साथ ये चैप्टर फिनिश होता है। थैंक यू।